गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? रूट्स टू रूट्स की हमारी एक और क्लास में आपका स्वागत है। एंड आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास का मटेरियल प्रैक्टिस किया होगा। इफ़ नहीं किया है तो आज मैं आप सबको पनिशमेंट दूंगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आज की जो क्लास है, ठीक है, वो इस तरीके की है कि आज सारे बिगिनर्स हैं उनको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि बिगिनर चीज़ें भी क्लियर रखना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने लास्ट 3 से 4 क्लासेस में जो जो चीज़ें सिखाई थी वो थोड़े इंटरमीडिएट एडवांस लेवल की थी, ठीक है। एंड काफ़ी लोग जो उस लेवल पे नहीं है, ठीक है, उनके लिए वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, विच इज़ फाइन। देखो, कोई भी चीज़ ना, इस चीज़ की शर्म में कभी मत रहना कि ये चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है और नहीं सीखना चाहते फिर दिक्कत है, पर अगर नहीं मालूम है पर सीखने को तैयार हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने टीचर्स से काफ़ी सीखा है, ठीक है, मेरे जो रोहित सर रहे हैं, मेरे जो राजू सर रहे हैं, उनसे मैं काफ़ी सीखा हूँ, ठीक है। बट मैं उनसे जो चीज़ें, मतलब एज अ स्टूडेंट सीखा हूँ ना, मैं काफ़ी चीज़ें अपने दोस्त जो मेरे से काफ़ी अच्छा बजाते हैं उनसे, एज अ फेलो म्यूजिशियन भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। एंड टू सम एक्सटेंट आफ्टर मैंने क्लासेस, गिटार क्लासेस कंटिन्यू नहीं करी थी क्योंकि मैं मूव होने वाला था, दिल्ली नोएडा में मूव हो गया था, तो मैंने अपने पीयर्स से ही काफ़ी चीज़ें सीखी है क्योंकि मेरे पास क्लासेस करने के टाइम नहीं होते थे। तो मैं कॉलेज के अपने म्यूजिक रूम में बैठा रहता था और वहाँ पे आके हम लोग प्रैक्टिस करते रहते थे और एक दूसरे से सीखते रहते थे, ठीक है। सो एक दूसरे से सीखना ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी नॉर्मल क्लास, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं मेजर स्केल पे। मेजर स्केल मैंने एक बार पहले कवर कर रखा है। मेजर स्केल कैसा साउंड करता है? एक सेकेंड, ऑल राइट, आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है। मेजर स्केल का साउंड ऐसा है, अगेन अब हम लोग थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। मेजर स्केल, ठीक है, मेजर स्केल क्या है? तो इसमें दो वर्ड्स है, ठीक है, मेजर और स्केल, ठीक है। तो पहले इस वर्ड पे फोकस करते हैं, स्केल पे, ठीक है। स्केल का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ये ना प्रॉपर डिक्शनरी डेफिनेशन तो नहीं है, ठीक है, बट ये स्केल को समझने की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है। आई होप मेरी हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही हो, ठीक है। मैं थोड़ा अतरंगी लिखता हूँ, मुझे पता है मेरे टीज थोड़े से डी लगते हैं, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, मेजर स्केल क्या होता है? स्केल इज अ ग्रुप ऑफ नोट्स दैट साउंड गुड टुगेदर, ठीक है। अब गिटार में हर जगह हर कुछ बजाओगे ना, इट्स लाइक कीबोर्ड में ना ऐसे बजाना टन 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 करके, ठीक है, हर चीज़ सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर मूवमेंट्स होती हैं, उन्हीं के थ्रू अगर हम उसको प्ले करें ना तब उसका चार्म एक्चुअली बाहर आता है, ठीक है। अब स्केल होते भी अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है।
अब मैं अगर सारे गिनवाने लगूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, मेजर माइनर डिमिनिश्ड ऑल्टर्ड मेलोडिक माइनर हारमोनिक माइनर हारमोनिक मेजर मेलोडिक मेजर, काफ़ी चीज़ें होती है, बट हम फोकस करेंगे दो पे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूजिक है ना इनमें ही बनता है, ठीक है, मतलब लमसम 95% ऑफ म्यूजिक इतने में ही बनता है, ठीक है, बाकी जो 5% में डिमिनिश्ड ऑल्टर्ड स्केल वगैरह यूज होती है वो भी म्यूजिक ही होता है, वो भी गाने ही होते हैं, बट उनकी तादाद बहुत कम है, ठीक है। ऑल राइट, सो स्केल कितने तरीके के होते हैं? दो, मेजर एंड माइनर, ठीक है। आज हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बस हल्का सा टच करके समझा दूंगा, बट अभी उस पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ऑल राइट, उससे पहले म्यूजिकल अल्फाबेट्स पता करते हैं, ठीक है। म्यूजिकल अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ऑल राइट, तो जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, इंग्लिश में जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी होता है, ठीक है, सिमिलरली म्यूजिक में भी अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, दैट आर ए ए शार्प बी सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प। अब ये टोटल हमारे होते हैं 12 नोट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल हमारे बन जाते हैं 12 नोट्स, ठीक है। इसीलिए अगर आप लोग देखोगे गिटार में जो हमारा 12th फ्रेट होता है ना, 12th वाला जो बॉक्स होता है उसमें दो डॉट बने रहते हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से देखना, यहाँ पे आपके मे बी यहाँ पे ऐसे दो डिस्टेंस में बने हुए हो, बट क्या मेरे मेरे में थोड़ा ऊपर बना हुआ है, इसको इसको ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है, ये कुछ गिटार्स में ऑफसेट होता है, कुछ गिटार्स में बीच में होता है, ठीक है, बट हमेशा 12th फ्रेट में दो डॉट्स रहते हैं, ठीक है, कोई कोई गिटार कंपनीज नहीं डालते हैं, बट कोई कोई गिटार कंपनीज बदमाश होते हैं, क्या कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको 12th फ्रेट में दो डॉट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नाउ हमेशा वो दो डॉट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, लेट्स से हम ई स्ट्रिंग से प्ले कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ई स्ट्रिंग होती है हमारी, ठीक है, उसको हम लोग ओपन मानते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग उसका एक एक फ्रेट आगे जाएंगे ना, फर्स्ट फ्रेट एफ होगा, सेकंड फ्रेट एफ शार्प होगा, थर्ड फ्रेट जी होगा, फोर्थ फ्रेट जी शार्प होगा, फिफ्थ फ्रेट ए होगा, सिक्स्थ फ्रेट ए शार्प होगा, सॉरी 7th फ्रेट बी होगा, 8th फ्रेट सी होगा, 9th फ्रेट सी शार्प होगा, 10th फ्रेट डी होगा, 11th फ्रेट डी शार्प होगा, एंड वापस 12th फ्रेट हमारा ई होगा, ठीक है, मतलब क्या 0 से 12 तक हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके आ जाते हैं, ठीक है, 12 नोट्स का पूरा सर्कल वो कंप्लीट होकर वापस उस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। अब ये 12 नोट्स है, आपको आप बोलोगे कि सर स्केल में तो स्केल की जो मूवमेंट होती है उसमें 8 नोट्स होते हैं, ठीक है, तो उसका कैसे कनेक्शन है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, उससे पहले हम एक चीज समझेंगे, ठीक है, मैं ये
ग्लास बनाने की कोशिश कर रहा था पर ये चाय की कुल्हड़ बन गई, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना ज़्यादा, ठीक है, या फिर चाय भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये ग्लास हाफ फुल है, ये ग्लास पूरा फुल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी टोन, इसको हम लोग बोलेंगे टोन, ठीक है। टोन एंड सेमी टोन, ठीक है, टोन को हम लोग मानेंगे फुल ग्लास, सेमी टोन को हम लोग मानेंगे हाफ ग्लास, ठीक है, या फुल कुल्हड़ आधा आधा कुल्हड़, जैसा मर्जी सोच लो, ठीक है। अब इससे हम लोग मेजर स्केल कैसे बना सकते हैं, अब हम लोग वापस आएंगे एक बार गिटार पे, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो मैं जिस पॉइंट से सिखाऊंगा वो है फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, आप लोग ये कहीं से भी, ये वाला जो फॉर्मूला है आप लोग कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है, मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट ये वाला, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक स्ट्रिंग में प्ले करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, इवन बिगिनर से बिगिनर जो है वो भी इसको प्ले कर लेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फिर एक टोन, टोन क्या होता है देखो मैं डिस्टेंस समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से इस एरिया पे देखना, ठीक है, टोन होता है एक फ्रेट से एक फ्रेट का गैप लेके उसका डिस्टेंस। सो अगर मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 5 मेरा टोन का डिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे कभी कभी ये सोचना, ठीक है, कि बहुत बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है, लेट्स से दिल्ली से कानपुर की दूरी 500 किलोमीटर है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझना, ठीक है, दिल्ली से कानपुर की दूरी 500 किलोमीटर है, तो कानपुर से दिल्ली कितना दूर हुआ, 500 ही हुआ ना, ठीक है। सिमिलरली ऐसे समझना कि दिल्ली से आगरा कितना दूर है, 200 किलोमीटर के आसपास, तो आगरा से दिल्ली कितना दूर हुआ, 200, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे हम रोड पे डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नापते हैं, उसी तरीके से हम लोग फ्रेटबोर्ड पे डिस्टेंस को टोन एंड सेमी टोन में नापते हैं, ठीक है। सो टोन इज एक एक फ्रेट छोड़ के, एंड सेमी टोन इज अगले वाला है, सेमी टोन टोन, सेमी टोन टोन, और ये खाली एक जगह पे नहीं, यहाँ पे भी वही है, सेमी टोन टोन, सेमी टोन टोन, हाफ ग्लास फुल ग्लास, हाफ ग्लास फुल ग्लास, ठीक है। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते रहोगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा, हाफ ग्लास फुल ग्लास वन एंड हाफ ग्लास, हुआ ना, ये अगर हाफ है ये फुल है तो उसमें और हाफ जोड़ गया तो हो गया वन एंड हाफ, टू ग्लास टू एंड हाफ, थ्री, ठीक है। अब इसको जोड़ते रहोगे, मेरी अब उंगलियां उतनी भी स्ट्रेच नहीं हो सकती, ठीक है, बट अगर देखो हाफ ग्लास फुल ग्लास वन एंड हाफ, टू टू एंड हाफ, थ्री थ्री एंड हाफ, फोर फोर एंड हाफ, ऐसे जितना लंबा फ्रेटबोर्ड, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली 24 फ्रेट्स तक का ही होगा, ठीक है, बट अगर उससे भी लंबा फ्रेटबोर्ड होता है, कोई कोई जैसे एक गिटार लेजेंड है उनका नाम स्टीव वाई है, उन्होंने 30 फ्रेट्स का गिटार बना रखा है, ठीक है, बट मोस्टली 24 ही होता है। तो जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस जाते जाएंगे उतने हाफ ग्लास पर फ्रेट हाफ ग्लास बढ़ाते रहो, ठीक है, वही हमारा सेमी टोन टोन बन जाएगा, ठीक है, ओके। सो अगेन फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे आएंगे एंड यहां से हम लोग मूवमेंट देखेंगे कि क्या होती है, मैं थोड़ी देर में बोर्ड पे भी लिख दूंगा। मेजर स्केल का फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग से एक टोन, मतलब एक फ्रेट का गैप लेके, टोन टोन सेमी टोन टोन
सेमीटोन, मतलब कैसे, फर्स्ट नोट, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन, ठीक है, एक बार फिर से, ये तो हमने ऐसे बजा दिया, इसको ऐसे हम लोग ऐसे भी बजा सकते हैं, ऐसे भी बजा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में सेम ही लगेगा, ठीक है। नाउ टोन एंड सेमीटोन का फॉर्मूला जो है वो है, पहला नोट टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, पहला नोट दो बार टोन, एक बार सेमीटोन, फिर तीन बार टोन, एक बार सेमीटोन, पहला नोट दो टोन एक सेमीटोन, फिर तीन टोन एक सेमीटोन, ठीक है। तो ये है हमारे मेजर स्केल का फॉर्मूला, दो बार टोन एक बार सेमीटोन, तीन बार टोन एक बार सेमीटोन। अब मैं स्टार्ट कर रहा था कहाँ से, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से, करेक्ट। तो फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से मैंने स्टार्ट किया, तो एक टोन की डिस्टेंस पे आएगा फिफ्थ फ्रेट, एक टोन की डिस्टेंस पे आएगा सेवन्थ, क्योंकि टोन क्या है, एक फ्रेट छोड़ के, तो थ्री फोर छोड़ के फाइव, सिक्स छोड़ के सेवन, देन अगला वाला इज एट क्योंकि सेमीटोन है, फिर एट से टेन टोन है, टेन से ट्वेल्व टोन है, 12 से 14 टोन है, एंड 14 से 15 सेमीटोन है, ठीक है। सो फॉर्मूला इज टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, ठीक है, अगेन टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, ठीक है। ये होता है हमारा मेजर स्केल का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको आगे रिपीट करते हुए भी और आगे प्ले करते रह सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट इसी में हमारी मेजर स्केल की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ठीक है। दिस इज मेजर स्केल का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों को मेजर स्केल एंड माइनर स्केल का एक बार एक कंपैरिजन बता देता हूं। सो मेजर स्केल जब हम पूरा प्ले करते हैं तो ये हैप्पी साउंड करता है, यही जब हम लोग माइनर प्ले करते हैं ना तो ये सैड मिस्टीरियस डार्क सा साउंड करता है, अगेन माइनर एक बार फिर से प्ले करेंगे, अब मैं इसको एक दूसरी जगह से प्ले करके दिखाता हूँ, हाफ हाफ करके प्ले करूंगा, ठीक है। यहां से हमारे इश्क वाला लव भी निकल सकता है, एंड माइनर से हमारा जरा जरा निकल सकता है, ठीक है। उसका इंट्रो, दोनों का इंट्रो अलग अलग है, ठीक है, दोनों या तो मेजर या माइनर, एंड टू बी ऑनेस्ट 50-80% गाने ना, ठीक है, आप लोगों को मेजर माइनर स्केल प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद ही उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे ना उसी में सारे सारे गाने मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको लेकर ना
एक चीज़ मुझे पता है, ठीक है, जब मेरे भी सर मेरे को ये करवाते थे, स्केल्स करवाते थे, मैं सर को बोलता रहता, सर क्या करवा रहे हो यार, बोरिंग लग रहा है, ऐसा कुछ करवाओ ना कि जिसमें गाने वाने हो, थोड़ा गाने बजाने का मन करता है, सर गाने सिखा दो। पर उस टाइम पे ना मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो जो चीज़ें हैं ना, जैसे माइनर स्केल में एक और गाना है, कभी जो बादल बरसे, आपने सुना होगा। यह हमारे सी माइनर का स्केल हो गया, पर इसी पे हम लोग जब कॉर्ड्स प्ले करेंगे, अब इसको मैं थोड़ा अगर गा के बताऊं, मेरी मेरी गाने की आवाज, मतलब गले की आवाज बहुत बुरी है, तो उसको माइंड मत करना, बट मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ तो आपको समझ आए। कभी जो बादल से मैं देखूं तुझे, ठीक है, तो ये तो माइनर हो गया, मैंने मेजर का भी बता दिया। ये हमारे मेजर स्केल का फिफ्थ स्ट्रिंग से थर्ड फ्रेट से, इस चीज को 3 3 5 7 8 10 12 14 15, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसके वेरिएशंस को समझो, ठीक है, आप लोगों को काफी अच्छे से आगे आइडियाज भी मिल जाएंगे, ठीक है, एंड एज यू प्रोग्रेस आगे आगे की चीजें तो मैं ऐसे करवाते रहूंगा, ठीक है। रूट्स टू रूट्स क्लास में आने के लिए थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आज के रूट्स टू रूट्स की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय बाय।